और अब आपको ये बताएं कि 12 करोड़ 10 लाख रुपए की मुबैना करप्शन की इंक्वायरी FIA मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल ने साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के बेटे मोनस इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIA के मुताबिक मोनस इलाही बतौर MNA करोड़ों रुपए की करप्शन में मुलविस हैं। आमिर सोहेल मोनस इलाही के कैश राइडर और फ्रंट मैन के तौर पर काम करता रहा है। मोनस इलाही को 3 कॉल अप नोटिसेस भी जारी कर दिए गए मगर वो एक बार भी पेश नहीं हुए। मुकदमे में जहरा इलाही और आमिर सोहेल को भी नामजद मुलजिम करार दिया गया है। FIA के मुताबिक मोनस इलाही बतौर MNA करोड़ों रुपए की करप्शन में मुलविस हैं। आमिर सोहेल मोनस इलाही के कैश राइडर और फ्रंट मैन के तौर पर काम करता रहा है। मोनस इलाही को 3 कॉल अप नोटिसेस भी जारी कर दिए गए मगर वो एक बार भी पेश नहीं हुए। मुकदमे में जहरा इलाही और आमिर सोहेल को भी नामजद मुलजिम करार दिया गया है। मोनस इलाही को 3 कॉल अप नोटिसेस भी जारी कर दिए गए मगर वो एक बार भी पेश नहीं हुए। मुकदमे में जहरा इलाही और आमिर सोहेल को भी नामजद मुलजिम करार दिया गया है।